जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिरी प्रोला के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को बताया शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत आज देश भर के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। चर्चा में जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिरी परोला के भी 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने पीएम मोदी के साथ परीक्षा पर हुई चर्चाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। सर, मेरा ये प्रश्न होता कि जैसे कि अब CUET एग्जाम है तो उसके बेसिस पे अब यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस मिलेगा, और पहले क्या होता था कि हम 12th बोर्ड के हिसाब से बच्चों का एडमिशन देते थे यूनिवर्सिटीज़ में। अब हर यूनिवर्सिटी का अपना एग्ज़ाम होता है, BTEC करने के लिए एग्ज़ाम है, हमें मेडिकल करना है एग्ज़ाम होता है, तो अब ये बोर्ड का जो प्रेशर है ये बच्चों से थोड़ा कम कर लेना चाहिए। जैसे हमारा इस साल बोर्ड हुआ 2 terms में हुआ, term 1 term 2, तो बहुत प्रेशर फील हुआ था बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को, तो इस प्रेशर को कम करने के लिए हमें मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देनी चाहिए। हमें सर से ये क्वेश्चन था कि अगर मतलब 12th के बोर्ड को कम करके और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता, लाइक हमारी स्पीकिंग जो पर्सनालिटीज़ होती है और ऐसी पर्सनालिटीज़ जो हम डेवलप करके और अपना इंटरव्यूज़ जो होते हैं आगे उनके लिए तैयारी कर सकें। चर्चा में भाग लेते हुए देश भर के नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों व सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पीएम मोदी से नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, शिक्षा को रोचक व रोजगार परक बनाने तथा परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं पर अभिभावकों, शिक्षकों व अन्य कारकों के दबाव को लेकर प्रश्न किए। जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है, इसमें स्पोर्ट्स को एक इंटीग्रेटेड तरीके से लागू किया जाएगा और स्टूडेंट्स हैं अपनी स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपको अवसर मिलता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, इसमें सुझाव देने का, तो आपका सुझाव क्या होता है? इसमें मेरा सुझाव ये होता है कि हर एक स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए अपनी इंडिविजुअल स्किल्स को दिखाने का, अपने डिफरेंट स्किल्स को दिखाने का, क्योंकि जो हर एक बच्चा है उसके अंदर अपनी एक डिफरेंट स्किल होती है जिसको दिखा नहीं पाता, क्योंकि स्कूल करिकुलम में से डेफिनेट करिकुलम के अंदर बांध दिया जाता है, उसे अपनी स्किल्स दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। तो मैं कुछ ऐसे नए तरीके इजाद करने का सुझाव देता है जिससे कि स्टूडेंट अपनी एक डिफरेंट स्किल को दिखा पाए। जिनका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में इन सब बातों पर गौर किया गया है। वह पहली बार देश की शिक्षा नीति सरकार के सुझावों पर नहीं अपितु देश भर के नागरिकों के फीडबैक के आधार पर तय की गई है। मंत्री जी का जो ये मानस पुत्र कार्यक्रम है, अनवरत पिछले 5 साल से चल रहा है, 5वां एडिशन है, निश्चित इससे क्रांतिकारी बदलाव आएगा, वास्तविक धरातल पर इससे परिवर्तन आएगा और विद्यार्थियों में भारत पुनः विश्व गुरु एक बार पुनः बनेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। कार्यक्रम में गाजियाबाद की सरकारी स्कूल की एक छात्रा के प्रश्न के जवाब में पीएम मोदी ने अध्यापकों व अभिभावकों से दबाव की बजाय छात्रों में छुपी प्रतिभा व क्षमता को सकारात्मकता के साथ निखारने की अपील की। साथ ही पढ़ाई के साथ परीक्षा में अच्छा अंक लाने व सफलता को मानसिक दबाव से मुक्त करने की भी बात कही। समस्त क्षेत्रवासियों को विक्रमी संवत 2779 की हार्दिक शुभकामनाएं।